हाय, दिस इज अनामिका एंड वेलकम टू मेट्रो टीवी। आज हम जानेंगे उन एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्होंने लिया सर्जरी का सहारा। बॉलीवुड एक्ट्रेस की खूबसूरती का हर कोई दीवाना होता है, लेकिन इसके पीछे उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, इस मेहनत के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस में पिछले कुछ समय से प्लास्टिक के जरिए अपने लुक को खूबसूरत दिखाने मानो चलन सा बन गया है, लिहाजा ये सुंदर दिखने का सबसे आसान तरीका भी है। यानी वो ब्यूटीफुल दिखने के लिए अपनी बॉडी के उस पार्ट की सर्जरी कराती है जो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। हाँ, भले ही वो इस सर्जरी के बाद और भी बदसूरत क्यों ना दिखने लगे, लेकिन बीटाउन एक्ट्रेस आजकल ये बड़ा रिस्क लेना जरूर समझती है। आइए आपको बता दें हैं उन एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने किसी ना किसी प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया, जिनमें कुछ की खूबसूरती में चार चांद लगे तो कई की सूरत पहले से ज्यादा बिगड़ गई। तो सबसे पहले शुरुआत अनुष्का शर्मा से करते हैं। आपने गौर किया होगा कि सुल्तान की रेसलर एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा फिल्म पीके से पहले अपने लुक में नजर आती थी, लेकिन इस फिल्म के पहले उन्होंने अपने होठों की सर्जरी कराई थी, लेकिन फिल्म में उनके होठ सर्जरी के बाद भी वो परफेक्ट नहीं दिखी तो उन पर काफी जोक्स बनने लगे। अनुष्का ने बॉलीवुड में जब अपनी करियर की शुरुआत की थी तब उनके होठ काफी ठीक थे, जैसे कि फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में नजर आई थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सीनियर एक्ट्रेस को कॉपी किया और अपने होठों का काया पलट करवा लिया, लेकिन होठों को बदलवाने से भी अनुष्का का लुक तो वैसा ही रहा। बॉलीवुड की बाजीराव मस्तानी, ये जवानी है दीवानी और ओम शांति ओम और तमाशा जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाली दीपिका ने भी फिल्मों में आने से पहले प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया, लेकिन दीपिका के सर्जरी के बाद उनके लुक में काफी बदलाव देखने को मिला। दीपिका की काया पलट का तो मैडम को काफी फायदा भी मिला है, पहले से तो काफी हॉट और सेक्सी और ब्यूटीफुल दिखाई देने लगी है। शायद यही वजह है कि दीपिका की खूबसूरती के रणवीर दीवाने हो रहे हैं, तभी तो दोनों कपल फिर से एक साथ वक्त बिताने निकल गए हैं। बॉलीवुड की देसी गर्ल और पिकी चॉप्स के नाम से पहचाने जाने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के चर्चे अब न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि हॉलीवुड में भी जारी है, लेकिन अपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए देसी गर्ल ने न सिर्फ सेट पर बल्कि अपने लुक्स पर भी काफी मेहनत की है। प्रियंका भी एक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिन्होंने एक नहीं बल्कि कई बार सर्जरी करवाई। प्रियंका ने अपनी नाक, फेस और होठों की सर्जरी तो कराई ही है, इसके साथ साथ उन्होंने अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट भी करा लिए, लिहाजा इसके बाद उनके ओवरऑल पर्सनालिटी में काफी बदलाव देखने को मिले, तभी तो उनके शुरुआती फिल्मों में और अब की फिल्मों में काफी बदलाव दिख रहा है। इन दिनों अब द एक्ट्रेस की लिस्ट में नेशनल अवार्ड विनर क्वीन कंगना का नाम टाउन की सुपरस्टार में शामिल है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि कंगना पहले से ही ऐसी खूबसूरत थी तो आप गलत हैं, क्योंकि कंगना ने भी बॉडी के कई पार्ट्स की सर्जरी कराई है। उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को ज्यादा इम्प्रूवमेंट करने यानी हॉट और सेक्सी दिखने के लिए देसी गर्ल की तरह ब्रेस्ट इम्प्लांट भी करवाया, जिसे उनके लुक में और ज्यादा बदलाव देखने को मिला। बता दें, करियर की शुरुआत में कंगना के लुक की काफी आलोचना हुई थी, लेकिन जैसे ही वो अपने बदले लुक के साथ नजर आई तो सभी की नजरों में हॉट एक्ट्रेस हो गई। इस लिस्ट में बॉलीवुड की डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा का नाम भी शामिल है। हालांकि प्रीति के चेहरे पर डिंपल पड़ने से पहले ही वो काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन इन्हें भी अपने होठों से शिकायत थी, सो उन्होंने भी प्लास्टिक का सहारा लिया और सर्जरी के जरिए अपने होठों की शेप बदलवाई, लेकिन हालांकि प्रीति के लुक में कोई खास बदलाव नजर नहीं दिखा। इस एक्ट्रेस ने इसके बाद अपने नाक की प्लास्टिक सर्जरी करवाई, जिसके बाद उनका लुक थोड़ा बेटर हुआ। हालांकि अब वो फिल्मों से दूर रहकर अपने पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं।
भी जानते हैं कि बॉलीवुड में आने से पहले कैटरीना कैफ अपनी सभी बहनों में सबसे बदसूरत हुआ करती थी, लेकिन कैट को सलमान ने फिल्मों में आने के लिए इनकरेज किया। इसके बाद उन्होंने खुद से अपने लुक में बदलाव किया। हालांकि कैटरीना तो नेचुरली खूबसूरत है, लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी का एक्सपेरिमेंट करने ये भी पीछे नहीं हटी। कैटरीना को अपने होठों से शिकायत थी, उनके होठ बेहद पतले थे जिनमें वो थोड़ा उभार चाहती थी, और इसके लिए उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया। हालांकि सुनने में ये भी आया कि कैटरीना ने ब्रेस्ट इम्प्लांट भी करवाया है, लेकिन वो हमेशा इस बात को नकारती रही हैं। वेल मैडम, प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाली एक्ट्रेस में तो शामिल हो ही गई है। बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस में शुमार मलिका ने भी अपना लुक बदला। अभिनेत्री मलिका शेरावत भी अंडर द नाइफ के प्रयोग में आ चुकी है। आपको बता दें कि मलिका ने फिल्म हिस में आने से पहले खुद के लुक्स को इम्प्रूव कराया था। इन्होंने भी अपने होठों की सर्जरी करा डाली। इसके कुछ दिनों बाद ही मलिका ने ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाया। इन सर्जरी ने मलिका शेरावत का लुक तो बदला, लेकिन इसका उनके करियर पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, लिहाजा उनकी कोई भी फिल्म सुपरहिट साबित नहीं हुई। बॉलीवुड की और विश्व की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन पहले से ही इतनी खूबसूरत है, लेकिन सर्जरी की दौड़ में शामिल होना इन्होंने भी मुनासिब समझा। इनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए अपने गालों का लुक चेंज कराया है, लेकिन ऐश से कोई पूछे तो कि मैडम आपको ये सब करवाने की क्या जरूरत थी, वेल अब क्या कर सकते हैं, सबके अपने अपने शौक होते हैं। माय गॉड, कपूर खानदान की बेटी भी इसी लिस्ट में शामिल है। करीना कपूर ने भी अपने होठों और चिक बोन्स पर नाइफ चलवाकर अपना ग्लैमर लुक पाया है, लेकिन ग्लैमरस लुक तो आपके खून में है, तो बेबू ये सब करवाने की भला क्या जरूरत थी। श्रीलंका से ताल्लुक रखने वाली और हाउसफुल 3 की एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस, जिन्होंने सर्जरी का सहारा लिया है। बता दें कि जब जैकलिन ने बॉलीवुड में एंट्री की थी तब उनका लुक अलग था और उनका अब का लुक काफी डिफरेंट है। जैकलिन ने अपने होठों को कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए फुलर कराया है ताकि वो उभरे हुए दिखे, इससे वो काफी खूबसूरत दिखने लगी है। तभी इसी वजह से आज इस एक्ट्रेस के लाखों फैंस है। बॉलीवुड की रॉक स्टार गर्ल नरगिस फाखरी का नाम अब तक सफल एक्ट्रेस में शुमार नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद की खूबसूरती को निखारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भी अपने लिप्स पर चाकू चलवाया है। इसी वजह से लगता है कि अजहर में उनके लिप्स डायरेक्टर को खूब भाए हैं। तभी तो अजहर फिल्म में मैडम ने भरपूर किसिंग सीन दिए हैं। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल भले ही अब फिल्मों में सक्रिय ना हो, लेकिन खूबसूरत लुक पाने के लिए उन्होंने भी अपने होठों की शेप बदलवाई, लेकिन अफसोस इससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। फिल्मों में चल ना सकी, लेकिन हाँ अपनी शादी के लिए ये यूजफुल रहा। ईशा अपनी मैरिड लाइफ में काफी खुश है। मनीषा लांबा ने नए लुक से फैंस को किया हैरान। अपनी नाक की प्लास्टिक सर्जरी कराकर अपने फैंस को हैरान कर दिया था। मनीषा अपनी क्यूट स्माइल और सिंपल लुक के लिए जानी जाती है, लेकिन उन्होंने भी अपनी सुंदरता दिखाने के लिए सर्जरी का सहारा लिया। ये भी कहा गया कि उन्होंने फिल्म किडनैप में अपने चेहरे को भरा रूट का सहारा लिया था, लेकिन मनीषा खुद इस बात को हमेशा नकारती आई हैं। लेकिन फिर भी बॉलीवुड में मनीषा खोसी गई है। ड्रामा क्वीन राखी सावंत की खूबसूरती के चर्चे के बारे में सभी जानते हैं, जिन्होंने खूबसूरत बनने के लिए अपने चेहरे पर छुड़ियां चलवाई, लेकिन उल्टा सुधारने की बजाय और बिगड़ती चली गई। ड्रामा क्वीन का नाम प्लास्टिक सर्जरी कराने में सबसे टॉप पर है और बॉलीवुड में सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी कराने वाली एक्ट्रेस है। चाहे वो लिपोसेक्शन हो, ब्रेस्ट इम्प्लांट हो या फिर अपने जॉलाइन को शेप कराना हो, यानी उन्होंने बॉडी के ज्यादातर पार्ट्स पर चाकू चलवाया है, लेकिन वो खूबसूरत की बजाय और भी बदसूरत होती नजर आ रही हैं।
साउथ क्वीन श्रीदेवी की पुरानी तस्वीरों को देखेंगे तो एक बड़ा फर्क पाएंगे। उनके लुक में बड़े बदलाव से उनकी कॉस्मेटिक सर्जरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस ट्रीटमेंट के जरिए उन्होंने अपनी भद्दी नाक से भी छुटकारा पाया और बाद में ब्रेस्ट इम्प्लांट कराया। इस हवा हवाई को भी अपनी नेचुरल खूबसूरती मानो पसंद नहीं आई हो। इंडिया की पहली मिस इंडिया यानी सुष्मिता सेन इसी दौड़ में शामिल है। अपनी नेचुरल खूबसूरती की वजह से तो देश की पहली मिस इंडिया बनी, लेकिन लगता है ये खूबसूरती सुष्मिता को कम लगी हो। मिस इंडिया बनने के बाद सुष्मिता ने भी सर्जरी का सहारा लिया। गौहर खान ने एक्टिंग करियर की शुरुआत यशराज की फिल्म रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर से की थी। जी हाँ, मॉडल से एक्टर बनी गौहर खान भी कथित रूप से अपने होठों पर छुरियां चलवा चुकी हैं। खबरों के अनुसार लिप सर्जरी के बाद वो अपने लुक्स में आए बदलाव से खुश नहीं हुई और इस सर्जरी के बाद गौहर खान काफी समय तक कैमरे से दूर रही। लाखों दिलों की धड़कन धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित भी अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहती, तो अपनी उम्र छुपाने के लिए उन्होंने भी इस नुस्खे को आजमाया। भाई, इन एक्ट्रेसेस की खूबसूरती का राज तो हमसे छिपा नहीं, बस इंतजार है कि बाकी और स्टार्स जो इस लिस्ट में शामिल नहीं हुए वो कब होंगे। वेल, इस शो में इतना ही। टाइम टू से बाय बाय एंड टेक केयर।